CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए। ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर। साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें। वीर जोरावर की जय। वीर जोरावर की जय। जय जेरापुर जय भारत। जय जेरापुर जय भारत। राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी। अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए। दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले। ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है जी। वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे। जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी। बिल्कुल, आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज। जी मंत्री जी। जी महाराज। जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी। होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं। जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह, आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी। निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए निजाम साहब। जी फरमाइए। फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं। जी। इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए। राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं। जी। तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे। जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज। अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे। जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे। ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना? बिल्कुल। देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत। हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है। लेकिन जरा होशियारी से। जो हुकुम सरकार। जागते रहो, जागते रहो। जोरावर, उठाओ, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। ये क्या है? You are under arrest. एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने। बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियों, हुजूर, बांधो इस बच्चे को जंजीर से। जी। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से। शाबाश, शाबाश, सालार जंग, मैं खुश हुआ, तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा। हुजूर। अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था। फौजियों, ले चलो इसको। छोड़ो मुझे, जल्दी से हाथ हटाओ। छोड़ो मुझे। बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े। जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था।
उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे। देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा। अप्पा ये नहीं हो सकता। देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा। ये नामुमकिन है। Why? हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। yeah. अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है। तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं। एक्चुअली यू आर अ फूल। जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई। काला पानी की सजा? हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी। जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे। और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली। काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं। एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। आप ऐसे और भी बाल क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी मालूम कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। जानकारी इकट्ठा कीजिए कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और कौन कौन से आंदोलन चलाए गए। और हाँ, आप इस कार्यक्रम का कक्षा में नाट्य मंचन भी कर सकते हैं। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, कलाकार अश्विनी वालिया, कीमती आनंद, सुनील लोहिया, परवेज गौहर, शमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, आकाश आहूजा और मुइनुल हसन नियाजी। आलेख विजय शर्मा। तकनीकी निर्देशन बटीलैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।